हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि हम एरिना के अंदर कैसे चेजर बनाते हैं, तो उसके लिए ग्रिड की ज़रूरत पड़ती है। तो कुछ लोगों ने बोला कि वो ग्रिड कैसे बनता है, तो उसी के रिगार्डिंग आज हम एक वीडियो लिखे हैं ग्रिड न्यू पे फोटोशॉप में एंड फिल्म एंड वीडियोस। या हमने वो साइज फिल करना है जो हमने हमारी कैबिनेट का है। जैसे अलग अलग कैबिनेट है, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ 96 x height और width भी 96 एंड क्रेट। यह हमारा एक सिंगल पैनल बन गया है, तो मतलब जो हमारा एक सिंगल पैनल होता है उसका साइज हमारा बन गया है ये। देन हमें लेयर में जाना है। यहाँ लेयर्स में हमें कंट्रोल जे प्रेस करना है, तो हमारे पास नई लेयर आ जाएगी, ब्लेंडिंग ऑप्शन आ जाएगा। स्टॉक में जाना है, यहाँ हमें साइज 1 रखना है, इनसाइड रखना है, नॉर्मल रखना है और कलर ब्लैक रखना है एंड देन ओके। अभी हमें एडिट में जाना है, एडिट में डिफाइन पैटर्न ओके। उसके बाद इसे रिमूव कीजिए। अभी क्रिएट न्यू पे फिर दोबारा फिल्म एंड वीडियोज में, यहाँ हमने टोटल विड्थ में कितने पैनल्स लगे हैं उसका साइज फिल करना है। जैसे 10 पैनल्स लगे हैं तो 960 एंड हाइट में हम 5 पैनल मानते हैं, तो यहाँ हो गया हमारा 480। देन न्यू क्रिएट, उसके बाद ये हमारा पूरा वो बन गया है। तो इसे बैकग्राउंड को क्लिक करके कंट्रोल जे करना है, राइट क्लिक करना है, ब्लेंडिंग ऑप्शन पे, पैटर्न। यहाँ हमने पिछली बार स्टॉक पे गए थे, इस बार पैटर्न ओवरले पे जाना है। और यहाँ से हमने ये एरो का निशान है, यहाँ से क्लिक करके सबसे लास्ट वाला क्लिक करना है जो हमने अभी अभी थोड़ी देर पहले बनाया था, ये यहाँ सेव हो गया वो, तो इसे ओके। तो ये देखिए हमारा ग्रिड बन चुका है, 5 पैनल हाइट में है और 10 पैनल हमारे विड्थ में है। तो इस तरह से हमने किसी भी इसका पैनल बना सकते हैं। तो इसे सेव करते हैं, कुछ भी सेव कीजिए कोई भी नाम से। तो सेव करने के बाद इसे रिमूव कीजिए नो, और अभी इसे फिर दोबारा ओपन करते हैं हम लोग सेम पैनल को जो हमने बनाया है। ये रहा ओपन, और अभी हमने क्या करना है, इसमें कलर फिल करने हैं। तो हमें यहाँ से ये वाला टूल लेना है और शिफ्ट के साथ में, शिफ्ट ध्यान रखें, अगर हम लोग शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे तो हम एक से ज़्यादा पैनल्स सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमें इसे शिफ्ट के साथ ही प्रेस करना है। जैसे साइड में हमने 5 पैनल लगे, तो 5 लेफ्ट में और 5 ही राइट में, 10 पैनल। और यहाँ से हम लोग कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, हमें कौन सा कलर चाहिए, तो हमें पिंक चाहिए। तो हमें क्या सिंपल करना है, अल्ट डिलीट से हमारा कलर फिल होगा, कंट्रोल डिलीट और एंड में कंट्रोल डी करना है। अभी हमें फिर शिफ्ट के साथ में ये पैनल सेलेक्ट करने, हमें ये 4 पैनल बनाए लेफ्ट और राइट में, और हमें अल्ट डिलीट यहाँ से कलर चेंज करना है। हम चाहते हैं कोई भी कलर लेना, तो यहाँ से ब्लू कलर लिया, अल्ट डिलीट कंट्रोल डी, तो हमारा ये ग्रेड कलर से बन गया है। अभी हमारा सेंटर में हम लोग सेंटर स्क्रीन के लिए सोच रहे हैं, तो हमें शिफ्ट के साथ में इन ग्रिड्स को सेलेक्ट करना है
या हम कलर को और कलर चेंज कर सकते हैं, आप कुछ भी अपनी तरफ से करना चाहे, ऑल्ट डिलीट कंट्रोल डी, ठीक है। और ये हमारा कंसोल आ गया, इसे कंसोल शिफ्ट कीजिए, तो ये देखिए सिंपल वे, ऑल्ट डिलीट, यहाँ से कुछ और कलर लीजिए, ऑल्ट डिलीट कंट्रोल डी। तो इस तरह से हम लोग ग्रिड बना सकते हैं और इसे सेव करके उसके बाद हम लोग एरिना में प्ले करें और एरिना में हम लोग जाके इसका चेजर बना सकते हैं, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बताया। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ यार शेयर ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।